हरियाणा सरकार किसानों के लिए योजनाएं चलाकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज का किसान सरकार के सहयोग और बागवानी विभाग की मदद से खुद को सफल किसान बना रहा है। बागवानी विभाग से समय समय पर मिलने वाली जानकारी से किसानों को आधुनिक खेती करने में मदद मिलती है और वो कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा पाने में भी सक्षम हो रहा है। ऐसे ही एक किसान है जिला अंबाला के किसान भूपेंद्र सिंह, जिनके लिए बागवानी विभाग का सहयोग वरदान साबित हुआ है। भूपेंद्र ने आज एक प्रगतिशील किसान बनकर अपने ऊपर चढ़े कर्ज को भी उतारा है। साथ ही वो बताते हैं कि आज उनके बैंक अकाउंट में जमा पूंजी भी रहती है। आज वो न केवल अच्छा जीवन बिता रहे हैं बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा रहे हैं। किसान भूपेंद्र ये भी बताते हैं कि पहले वो पारंपरिक खेती करते थे जिससे उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता था और बढ़ते कर्ज ने उनकी आर्थिक स्थिति को भी कमजोर कर दिया था। फिर उन्हें बागवानी विभाग से आधुनिक खेती के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने रियायती किसानों को किनारे कर बागवानी का रुख किया। किसान भूपेंद्र सिंह आज बागवानी फसलें खासकर फल और सब्जियों की खेती करते हैं, जिससे वो पहले के मुकाबले ज्यादा मुनाफा कमा पाते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि आज किसान भूपेंद्र सिंह अपने ऊपर चढ़े कर्ज को भी उतार चुके हैं। बीएड एमए करके जब कोई रोजगार नहीं मिला, पारिवारिक खेती थी, हम उसमें लग गए। परिवार आज 20 साल हो गए लगभग खेती करते हुए हमें, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के उसमें संपर्क में आने से उन्होंने हमें मोटिवेट किया। कहने लगे भाई आप यहाँ पे सब्जी उगाओ, हमारे कहने से। हॉर्टिकल्चर वालों ने हमेशा मेरा साथ दिया, चाहे वो सब्सिडी के माध्यम से हो, जैसे टनल का है, मल्चिंग का है, तार बांस का है, उन्होंने हर सुविधा हमें प्रोवाइड कराई है। और आज इस बेस पे हम हो गए हैं कि जब भी हम कभी अपनी फसल का आड़ती के पास जाते थे, उनके पास हिसाब करते थे, हमेशा देना ही आता था। आज मेरे को लगभग 4 साल हुए हैं और मैंने आज इतना है कि हमारे बैंक अकाउंट में हमारे अपने पैसे हैं, और सिर्फ इसी बेस पे सब्जी पे, करेला, और ये जो हमारे डिपार्टमेंट के जो हमारे लोग हैं जिन्होंने साथ दिया, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी इस फील्ड में आए। प्रगतिशील किसान भूपेंद्र सिंह का कहना है कि बागवानी विभाग के संपर्क में आने के बाद ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी और आज वो अन्य किसानों को भी परंपरागत खेती गेहूं, डीरी के अलावा बागवानी कर सब्जियों और फलों की खेती करने की सलाह देते हैं। जब से हमने ये काम शुरू किया है तो बच्चे भी अच्छे पढ़ने लगे हैं और 10 पैसे आने भी लगे हैं, तो इसमें ज्यादा बेनिफिट है, ना कि जो हमारा पुश्तैनी काम था पहले, जीरी, गेहूं या गन्ना, उसके अलावा इसमें बेस्ट है। मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, उनसे अपील करूंगा कि जैसे हम जीरी, गेहूं या गन्ना तो लगाते ही हैं, भाई आप एक एकड़ सब्जी से स्टार्ट करके देखिए। उसमें जो हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनका भी बहुत सहयोग है, बहुत साथ देते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल है। तो कोशिश करिएगा एक आधा किला आप लगा के देखे, उसके बाद जैसे जैसे आपको ठीक लगेगा उस हिसाब से आप अपना सीढ़ी चढ़ते जाइए। हरियाणा सरकार की ओर से खेती के लिए मिलने वाली सब्सिडी आज किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को सब्सिडी देकर उन्हें आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रगतिशील किसान भूपेंद्र सिंह बताते हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से मल्चिंग और तारबंदी जैसी कई चीजों पर सब्सिडी मिली है। बागवानी विभाग की तरफ से उनकी भरपूर मदद की जाती है, साथ ही है समय समय पर उनकी फसलों की जाँच होती है। किसान भूपेंद्र मानते हैं कि अगर वो शुरुआत से ही बागवानी विभाग के साथ जुड़कर खेती के आधुनिक तरीके सीखते तो शायद उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। किसान भूपेंद्र मानते हैं कि बागवानी विभाग की तरफ से समय पर मिली जानकारियां और उच्च शिक्षा और ज्ञान ने ही आज उन्हें खुशहाल और कामयाब किसान बनाया है। सरकार की तरफ से सर हमें मल्चिंग की सब्सिडी मिलती है, टनल की सब्सिडी मिली है, तार बांस की सब्सिडी मिली है, यहाँ तक कि जो वाटर सोल्यूबल ये जो खाद आता है उस पर भी सरकार, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है। ये टनल हमारी लगी हुई है, ये नवंबर दिसंबर में लगा दी थी सर, इस पर भी हमारी सब्सिडी हमारे पास आ गई है, तो इसके लिए तो गवर्नमेंट का भी शुक्रिया है। हमारी दिक्कत ही यही है कि हम इन लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए।
अब हम जुड़े हैं वो एडवांस में हमारे पास आते हैं, हमारे पौधे देखते हैं भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता वो सर ऊपर भेजते हैं उसकी फोटो करके व्हाट्सएप करके, उनसे सारी की सारी गाइडेंस लेके तब इनपे दवाई स्प्रे ये वगैरह ये छिड़काव करके हम अपनी फसलों को सुरक्षित करते हैं। कोशिश रहती है हमारी ऑर्गेनिक करने की, तो उसमें बहुत बेनिफिट है हमारा। तो कोशिश है सबकी, भाई किसान भाइयों से अपील है भाई ये भी करो। बागवानी विभाग से जुड़े ये किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसान को हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए, इसलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार है। किसानों के लिए परंपरागत खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। परंपरागत खेती में लागत ज्यादा और मुनाफा कम है। इसके साथ ही रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है। इन किसानों की कहानी आज के समय में अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो किसान खेती से मुंह मोड़ रहे हैं ताकि ऐसे किसान खेती का तरीका बदलकर प्रगतिशील किसान बन सकते हैं। सोनीपत के किसान जितेंद्र भी इनमें से एक हैं। जितेंद्र आज फलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने 3 एकड़ में पपाया की खेती शुरू की थी। इस दौरान उनके फलों की बिक्री ना के बराबर होती थी जिससे उन्होंने भारी नुकसान भी उठाया, लेकिन इसके बाद उन्होंने टमाटर और अन्य सब्जियों की खेती शुरू की जिसमें उन्हें धीरे धीरे मुनाफा होने लगा। मेरा नाम जितेंद्र मोर है और मैं गांव खानपुर खुर्द का रहने वाला हूं। सबसे पहले मैंने पपाया लगाया मैंने 3 एकड़ में और उसका बीज में लेकर आया देहरादून से चड्डा सीड फार्म से जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। हर पेड़ पे 1 क्विंटल से ज़्यादा लग गया और 1000 क्विंटल से ज़्यादा 1 एकड़ की प्रोडक्शन थी, लेकिन जब वो पैदा हुई तो मेरा लेने वाला कोई 1 रुपये किलो में भी नहीं था और उससे बड़ा भारी नुकसान हुआ। उसके बाद मैंने टमाटर लगाया और टमाटर उन दिनों में 97 में मेरा 1 लाख रुपए से ऊपर का 1 एकड़ में हुआ, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैं कैलिमपोंग गया, कैलिमपोंग से फूलों का जो इंग्लिश कट फ्लावर है उनका बीज लेके आया। जब मेरा मंडी में जाना स्टार्ट हुआ दिल्ली मंडी में मैंने कट फ्लावर बेचने स्टार्ट कर दिए। दिल्ली मंडी में मेरा जाना स्टार्ट हुआ तो 20 रुपए का 1 फ्लावर गया, लगभग 250 रुपए दर्जन जाते थे। हमारे पास मार्केट नहीं है, किसान पैदा तो कर लेता है बेच नहीं सकता, उसको बेचने की समस्या आती है। फिर मैं ये इसार सफेदा लगाया 1.5 एकड़ जमीन में, 2 एकड़ में G9 केड़ा लगाया, 3 एकड़ में मैंने ये सब्जी वाला केड़ा लगाया। जितेंद्र बताते हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें सब्सिडी मिली, साथ ही बागवानी विभाग की तरफ से उन्हें खेतों में ड्रिप सिस्टम लगाने में भी मदद मिली जिससे उनके खेती करने के तरीके में बड़ा बदलाव आया। आज किसान जितेंद्र अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम है और इसके लिए वो सरकार का धन्यवाद करते हैं। अमरूद में मेरे को सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने, एक सब्सिडी में छोटा ट्रैक्टर दिया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ड्रिप सिस्टम लगवाया मेरे यहाँ। केला मेरा 5 एकड़ पे है, अमरूद मेरा 2 एकड़ पे है, 3 लाख रुपए एकड़ सालाना की आमदनी आ रही है। जो निष्ठावान कर्मचारी हैं जिन लोगों ने मेरी मदद की है, मेरे खेत पे भी आए हैं, यहाँ आके उन्होंने डिमार्केशन भी करवाई है, कोई समस्या आती है उसके लिए भी मेरे को सजेस्ट करने आए हैं, तो उनका तो मैं धन्यवाद करना ही चाहूँगा। प्रदेश के ये प्रगतिशील किसान आज अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आ रहे हैं और ये सब हरियाणा सरकार के प्रयासों से ही संभव हो सका है। किसान बताते हैं कि बागवानी विभाग से मिली मदद और जानकारी ने ही आज उनके खेती करने के ढंग में जो बदलाव किया है, साथ ही किसानों के बागवानी विभाग से मिली प्राकृतिक खेती की जानकारी से ही वो आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं।